हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। और आप सब लोग कैसे हैं बताइएगा। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ पर काव्या सुबह सुबह उठ के आ गई है। जाके हेयर बैंड लगा के आओ और ऐसे करके हेयर बैंड लगा के आना, ऐसे करके हेयर बैंड लगा के आना और टोबा पहन के आना। चलो जल्दी से। टोबा क्यों? मैं लगा दूंगा। हाँ, टोबा पहन के आना है। तो यहाँ पर ये रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें मुझे अपने साड़ी के पल्लू से फेस को कवर करना है, तो मैं वही कर रही हूँ, फेस को कवर कर रही हूँ। आप लोग को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर ये आ गई फिर से और टोपा नहीं लगा के, ये देखिए। तो मेरा हाथ पे कुछ लग रहा था, उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। ब्लॉग अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर ये फेस कवर हो गया है, तो ये फेस कवर करके ही मुझे अपना काम करना है, पूरा रूटीन शुरू करना है, मतलब जो भी। पर मैं ये इसको चिल्ला रही हूँ और ये देखिए, पहले इसको मैं तैयार कर देती हूँ फिर आप लोगों से बात करती हूँ। फटाफट काम कर लेते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ जो भी न्यू आ रहा है तो आप ब्लॉग देख के निकल जाते हैं, वीडियो देख के निकल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो भी आ रहा है न्यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग देख सको। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये पलंग है, इसको कबर्ड को खोलना है और इसमें से निकालना है ब्लैंकेट रज़ाई, क्योंकि ठंडा मौसम हो गया है, ठंड बढ़ गई है, तो ये बहुत हैवी है। तो मतलब दो जने से खुलता है, लेकिन मैंने खोल लिया। अभी इनके पापा होते तो ये हेल्प करवाते। तो यहाँ पर ये रज़ाई है, ये निकाल लेती हूँ क्योंकि ठंडी कम्बल में ठंडी नहीं, ब्लैंकेट में ठंडी नहीं रुकी इतनी जितनी मतलब रज़ाई में रुकती है। तो एक पे तो कवर चढ़ा है और एक पे नहीं चढ़ा है, तो यहाँ पीछे रूम में ले आई हूँ मैं इनको और इन पर कवर चढ़ाऊँगी। और मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है आज वीडियो में, क्योंकि अभी थोड़ा शोर हो रहा है और म्यूज़िक भी चल रहा है। तो यहाँ पर मैं इसमें लगा देती हूँ कवर, एक पे तो कवर हैगा। और यहाँ पर ये जो वाइट कलर के कवर है ना, ये बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, तो बस ये लगा रही हूँ मैं इसके ऊपर। और कवर से क्या होता है कि थोड़ा हवा रुक जाती है और सेफ़ रहते हैं, रज़ाई हो या कम्बल हो कुछ भी हो, ये सेफ़ रहते हैं। मतलब हम इनको बार बार वॉश करने की वजह अगर इन पर कवर चढ़ा लो ना तो ये ज़्यादा सेफ़ रहते हैं। तो ये वाइट कलर के कवर हैं और ये मैंने घर में ही बनाए हैं। थान का कपड़ा ले आओ और फिर घर में बना लो जितने बड़े साइज़ के चाहिए कम्बल या रज़ाई के कवर। तो यहाँ पर ये इस तरह से मैं पहले उल्टा करके अपने हाथ डाल रही हूँ इसके अंदर और उसको रज़ाई पकड़ के और फिर इस तरह से सीधा कर दूँगी, तो ये बहुत इजीली कवर चढ़ जाएंगे। थक गई मैं इसलिए बैठ गई क्योंकि डबल बेड की ही रज़ाई है तो भारी तो नहीं है, लेकिन इसको कवर को लगाते लगाते थक जाते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसमें कवर चढ़ा दिया है। और यहाँ पर ये जो कॉर्नर है यहाँ से मैं सिल दूँगी इसको, बड़े बड़े टाँके लगा दूँगी यानी कि, और बीच बीच में भी थोड़ी थोड़ी दूरी पे टाँके लगा दूंगी, तो क्या होता है कि कवर इधर उधर खस सकता नहीं है। और ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको चढ़ा दिया है और यहाँ से ये सिल दूंगी। तो एक पे तो कवर था, ये दूसरे पे मैंने चढ़ा दिया है। इनको रख देती हूँ अभी कोने में, वहाँ पर घड़ी करके रखी है मैंने इनको। तो जो देसी रुई रहती है ना वो बहुत हैवी रहती है, जो देसी रुई पहले सब अभी भी भरवाते हैं बहुत से लोग, मेरे पास भी है एक रज़ाई, बहुत हैवी रहती है। लेकिन जो ये वाली रुई है ना, ये वाली अलग है, ये जो सॉफ्ट टॉयज में भरी जाती है ना वो वाली रुई है, तो ये इतनी मतलब हैवी नहीं रहती है, हल्की रहती है और गर्म रहती है। कभी आपने बनवाई हो तो आपको पता होगा, नहीं बनवाई हो तो आप ज़रूर बनवाइएगा। देसी और एक ही वाली रुई रहती है, दोनों तरह की रुई रहती है। तो बस यहाँ पर कवर लग गया, मुझे धोना है कपड़े, तो चलिए चलते हैं कपड़े धो लेते हैं। तो यहाँ पर मैं खसका लेती हूँ मशीन को और म्यूज़िक लगाना पड़ेगा अब, और आप लोग इंजॉय करते रहिए, मैं कपड़े धो लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। Thank you.
तो यहाँ पर कपड़े धुलते रहेंगे और मैं कर लेती हूँ किचन में काम। तो यहाँ मैं आगे किचन में आ गई हूँ। तो मैंने अदरक धो दी थी कल, मैं अदरक लेके आई थी 50 रुपये की, उसने अदरक दी थी मतलब आधा किलो से ऊपर थी। और मैं चाय चढ़ा रही हूँ और यहाँ पर इनके पापा और इनके दोस्त आए तो इनके लिए चाय बन रही है और हमारे लिए भी बन रही थोड़ी थोड़ी सी चाय। तो ठंडा मौसम है तो चाय तो लगती है। तो ये अदरक मैंने धो के रख दी थी। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो गराड़ू नहीं जानते हैं गराड़ू क्या होता है, तो मैं कल लेके आई थी आपको बताया था। तो वो गराड़ू होते हैं, उनको आलू जैसे रहते हैं और उनको फ्राई करके खाते हैं, उसकी सब्जी भी बनती है। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा गराड़ू क्या होते हैं। बहुत कम जगह मिलते हैं वैसे देखा जाए तो ये, क्योंकि हाउ टू मेक पे मुझसे क्वेश्चन करा था बहुत से लोगों ने जब मैंने उस पर रेसिपी बना के डाली थी कि ये क्या होता है। तो बस मैं चाय भी पी लेती हूँ, मेरी भी चाय पी लेती हूँ और थोड़ी थोड़ी सी चाय बनाई, ज़्यादा नहीं बनाई है। तो ये चाय छान के चाय पी लेती हूँ मैं। तो ये जो फेस कवर कर रखा है ना, इसको मैं अब खोल देती हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। तो साड़ी के पल्लू से फेस कवर करके मुझे अपना रूटीन करना था तो वो शुरू करना था और मैंने कर लिया है काम। तो यहाँ देखिए मैंने ये गराड़ू इस तरह से छील लिए हैं, ये इस तरह से छिलका उतर जाता है इनका गराड़ूओं का, और फिर इसके पीसेस करके हम लोग इनको फ्राई कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने फ्राई करने के लिए रख दिए हैं थोड़े से, और बाकी के और हैं उनको भी फ्राई करूँगी। वैसे खाने में ना बहुत अच्छे लगते हैं। आप मार्केट में जाएंगे, अभी ये ठंड का सीज़न रहता है ना उसी में आते हैं, और हमारे यहाँ तो शादी पार्टी में भी गराड़ू मतलब फ्राई करे हुए और सब्जी इसकी रहती है, रिसेप्शन में या पार्टियों में इसकी सब्जी रहती है और फ्राई करे हुए तो बहुत ही रहते हैं। फ्राई करके जिस तरह से मैं बना रही हूँ ना फ्राई करके, उस तरह से मतलब शादी पार्टियों में मिलते ही हैं, रखते ही हैं स्पेशली इसको। ठंड के मौसम का ये है, जो भी है ना ये ठंड के मौसम का है इसलिए इसको ठंड में ही आता है ये। और ये कराड़ू है जो आलू जैसे रहते हैं और इनका टेस्ट भी अच्छा रहता है, तो अधिकतर सभी दूर मिलते होंगे जहाँ तक है, लेकिन हमारे रतलाम में बहुत मिलते हैं ये। तो देखिए और इस तरह से इनको जिस तरह से भी आप पीस करना चाहो कर सकते हो, और ये इस तरह से फ्राई करो, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मैं अभी फ्राई कर रही हूँ, तो कुछ बड़े साइज के फ्राई कर रही हूँ, जैसे छोटे वाले फ्राई करूँगी, और किस तरह से खाते हैं ये भी मैं आप लोग को बताऊँगी। तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। बिल्कुल मीडियम और लो फ्लेम के बीच में इनको क्रिस्पी फ्राई करते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं। और काव्या उसके पापा से फ़ोन मांग रही है। तो इसको जब आप कटिंग करते हो, इसको जब आप छीलते हो या काटते हो ना, उस समय आप हाथ में ऑयल या कुछ लगा लीजिए, क्योंकि इससे खुजली चलती है अगर बिना उसके लगाइए। क्योंकि मुझे चलती है खुजली, इसलिए मैं ऑयल लगा के फिर इसको छीलती हूँ और कटिंग करती हूँ। तो मैं अब हैंड वॉश कर लेती हूँ। ये इस तरह से गराड़ू तलने में आते हैं और देखिए, और एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, ये सॉफ्ट हो जाते हैं एकदम, तो ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट रहते हैं। और ये लेमन के साथ इसको खाते हैं, नींबू के रस के साथ में, और इसका मसाला आता है। तो यहाँ पर ये गराड़ू का मसाला है और गरम गरम खाइए, क्रिस्पी क्रिस्पी बहुत लगते हैं। तो बस चलिए इनको खा लेते हैं हम लोग अब। तो ये जो है इसका स्क्रू जो ढीला हो गया है तो इसको सही करवाना है, इसीलिए मैं जा रही हूँ। और सो के उठी हूँ तो बिल्कुल चेहरा एकदम बम में दिख रहा है, तो मुँह कुछ नहीं धोया है। बस मैंने कहा पहले इसको लेके आ जाऊँ क्योंकि वीडियो मेरा पड़ा है बनने के लिए, वीडियो रुक गए हैं क्योंकि सेट नहीं हो रहा है कैमरा, और पहले भी इसी तरह से ख़राब हो गया था। तो फिर मैं इसको लेके आ गई थी और उन्होंने एक के साथ में एक स्क्रू फ्री दे दिया था। तो अभी वापस लेके आती हूँ, वॉशिंग मशीन क्लीनिंग करना है मुझे। आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा कल तक शाम तक अपलोड, या कल तक ही अपलोड होगा ये मॉर्निंग में ब्लॉग, सुबह आएगा। और वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग का वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। चप्पल नहीं मिल रही मुझे, मैंने उतार दी, जाने क्या पता कहाँ उतार दी, और वो बाहर की चप्पल है इसलिए मैं दूसरी नहीं पहन सकती हूँ। तो चलिए मैं चप्पल पहन लेती हूँ, फिर मैं आके बात करती हूँ आप लोग। तो यहाँ पर ये ना बड़ी मुश्किल से मुझे शॉप से पता चली और भूल गई थी मैं दुकान, और इतनी मुश्किल से मुझे सिर्फ दो मिले हैं, स्क्रू बोलते हैं पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, और दो मिले हैं बस बड़ी मुश्किल से। मैं लगा लगा के चेक करी थी, इससे पहले एक दुकान पे चेक करा था वहाँ नहीं मिले था, वहाँ नहीं मिला था, और ये दुकान है जो मैं भूल गई थी। तो फिर यहाँ पर मैं आई, फिर उनको मैंने बताया कि इस तरह का स्क्रू है, तो फिर उन्होंने दे दिया है और दो स्क्रू, मैंने कहा जितने हो उतने दे दो, तो दो स्क्रू मिल गए थे। तो मैं लेके आ गई दो स्क्रू, और अभी तो फ़िलहाल तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने बोला आपसे कि अगर हो सके तो मंगवा के रख लेना, आप ये रख लो एक पीस और इस तरह की स्क्रू और मंगवा के रख लेना, क्योंकि और किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो चलिए अभी फ़िलहाल मेरा काम तो हो गया, उन्होंने बोला अभी तो आपका काम हो जाएगा, अब घर चलते हैं और एक चीज़ और दिखाऊंगी मैं आपको, बने रहिएगा।
तो यहाँ पर ये देखिए वॉशिंग मशीन ख़राब हो गया है, मतलब इसका पानी नहीं निकल रहा है। तो इसको मैंने ड्रेन पे कर रखा तब भी पानी नहीं निकल रहा, देखिए कितना गंदा पानी है। तो इसको किस तरह से आप सही कर सकते हो इसका वीडियो बहुत जल्दी आएगा, आप ज़रूर वॉच करिएगा। फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर में रहिए, सेफ रहिए और ध्यान रखिए सभी लोग अपना अपना।